ये देखिए, ये यूएमटी डोंगल है, ये देखिए, ये एक यूएमटी डोंगल लाया मैंने आज शॉप से, ठीक है। अभी देखिए, यूएमटी डोंगल मैं पीसी में कनेक्ट कर रहा हूँ, यूएमटी डोंगल मैं पीसी में कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, यूएमटी डोंगल मैंने कनेक्ट किया, ये ड्राइवर ले रहा है ऑटोमेटिक। अब मेरे पीसी में ऑलरेडी ड्राइवर इंस्टॉल है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो यूएमटी V2 सपोर्ट एक्सेस 2.0 है, ये आपके पीसी में इंस्टॉल चाहिए, ठीक है। यूएमटी V2 सपोर्ट एक्सेस 2.0 ये आपके पीसी में इंस्टॉल चाहिए। अगर ये टूल आपके पीसी में इंस्टॉल्ड है, आप नया यूएमटी डोंगल अगर लगाते हैं, या फिर अगर आप पीसी फॉर्मेट करते हैं, और ये सॉफ्टवेयर अगर आपके पास इंस्टॉल है, यूएमटी V2 सपोर्ट एक्सेस 2.0, तो आपके यूएमटी ड्राइवर के यूएमटी डोंगल के ड्राइवर्स पीसी ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेता है, पहली बात, ठीक है। उसके बाद माय कंप्यूटर में मैनेजमेंट डिवाइस मैनेजर ओपन करके देखना है, ठीक है। माय कंप्यूटर में आपको डिवाइस मैनेजर ओपन करके देखना है। देखिए, ये माय कंप्यूटर मैंने ओपन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइस मैनेजर देखिए, अब देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे स्मार्ट कार्ड बता रहा है, स्मार्ट कार्ड डिटेक्ट कर लिया उसने, लेकिन यहाँ पे येलो साइन बता रहा है। देखिए, अभी अगर मैं डोंगल रिमूव करता हूँ, समझ जाइए, कंसेप्ट समझ जाइए। देखिए, ये मैंने डोंगल रिमूव कर दिया, देखिए डोंगल रिमूव कर दिया, देखिए स्मार्ट कार्ड निकल गया वहां से, स्मार्ट कार्ड निकल गया, ठीक है। अभी मैं फिर से लगाता हूँ, ये देखिए, ये डोंगल मैंने रिमूव, ये देखिए, ये डोंगल मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ, ये देखिए, मैंने डोंगल फिर से कनेक्ट कर लिया है। तो देखिए, ये जो स्मार्ट कार्ड है, ये स्मार्ट कार्ड उसने शो किया, और यहाँ पे क्या आ रहा है, येलो साइन आ रहा है। अब येलो साइन का मतलब क्या है कि उसने ड्राइवर प्रॉपर ड्राइवर उसके प्रॉपर इंस्टॉल्ड नहीं है। लेकिन अगर आपके इसमें यूएमटी सपोर्ट एक्सेस वर्जन 2 इंस्टॉल है, ये अगर येलो साइन भी बता रहा है, तो भी कोई इशू नहीं है, आपका यूएमटी डोंगल ऑन हो जाएगा। देखिए, ये देखिए, ये यूएमटी सपोर्ट एक्सेस, इसको मैं ओपन करता हूं, ये देखिए, ये आपका अल्टीमेट मल्टी टूल सपोर्ट एक्सेस ओपन हो गया। अगर आपके ड्राइवर प्रॉपर इंस्टॉल्ड नहीं रहते आपके पीसी में, तो आपका सपोर्ट एक्सेस इंस्टॉल नहीं हुआ रहता, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है मुझे, अभी लेटेस्ट क्यूसी फायर इसमें से मुझे इंस्टॉल करना है, लेटेस्ट क्यूसी फायर जो अपन क्वालकॉम बेस्ड सीपीयू के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉलर में आ गया मैं, ये अभी आप किस में है, यूएमटी सपोर्ट एक्सेस में है, ठीक है। अब इंस्टॉलर में आने के बाद देखिए, यहाँ पे यूएमटी क्यूसी फायर 7.3 वर्जन लेटेस्ट है, यूएमटी क्यूसी फायर 7.3 सेटअप लेटेस्ट। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, द फाइल हैज बीन एडेड इन अ क्यू, क्लिक ऑन स्टार्ट टू स्टार्ट डाउनलोडिंग क्यू फाइल और गो टू सपोर्ट टैब एंड ऐड मोर फाइल्स। आपको ओके करना है। ये जो फाइल है, यहाँ पे जो आपने इसको डबल क्लिक किया क्यूसी फायर को, तो ये डाउनलोड में ऐड हो गया। ये देखिए, यूएमटी V2 क्यूसी फायर 7.3 सेटअप, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है, इस टाइप से यूएमटी के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, आप सपोर्ट एक्सेस के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है, गूगल पे भी आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास यूएमटी डोंगल नया है, नया परचेस करते हैं आप, या फिर बाई चांस आपका पीसी फॉर्मेट हो गया है, आपको यूएमटी डोंगल इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आपके पीसी में UMT V2 सपोर्ट एक्सेस 2.0, UMT V2 सपोर्ट एक्सेस 2.0 ये इंस्टॉल चाहिए। ये अगर इंस्टॉल है, तो आपके डोंगल के वो ड्राइवर भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेता है, और आपका डोंगल भी कनेक्ट हो जाता है। जैसा भी, ये देखिए, ये डोंगल मेरा कनेक्ट हो गया है। अगर ड्राइवर प्रॉपर इंस्टॉल नहीं रहते, तो ये जो सपोर्ट एक्सेस है 2.0, वो ओपन नहीं हुआ रहता। ये भी एक बात आप समझ लीजिए, सॉफ्टवेयर में ड्राइवर का बहुत बड़ा रोल है। ज्यादा ड्राइवर नहीं लगते यार, कुछ ड्राइवर ने, चार पांच ड्राइवर है, जैसा MTK के ड्राइवर,
एसपीडी ड्राइवर, कॉलकॉम ड्राइवर, सैमसंग के ड्राइवर्स, मोटोरोला के ड्राइवर्स, ये 5-6 ड्राइवर्स ही आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा बड़ा विषय नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आने चाहिए, आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। फंडामेंटल में 10 बार फंडामेंटल क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपका फंडामेंटल क्लियर रहेगा तो आपको किसी के, आपको मुझे, मेरे ऊपर भी आपको डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर कोई भी छोटा मोटा इश्यूज अगर आपके पास आते हैं तो आप खुद उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए, अब ये क्यूसी फायर इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। अब ये मेरे पास तो ऑलरेडी क्यूसी फायर इंस्टॉल्ड है, ये पुराना वर्जन है, ओल्ड वर्जन है। मैं आपको किस टाइप से डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी आपको, देखिए, यूएमटी में आपको यूएमटी क्यूसी फायर डाउनलोड करना है, यूएमटी एमपीके का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, यूएमटी जीएसएम टूल आपको डाउनलोड करना है, तो यूएमटी रिलेटेड जो भी चीजें आपको डाउनलोड करना है वो कहाँ से डाउनलोड होती है, सपोर्ट एक्सेस 2.0 के थ्रू। और सपोर्ट एक्सेस सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके पीसी में। अगर सपोर्ट एक्सेस इंस्टॉल है तो आपके ड्राइवर्स वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेता है और सपोर्ट एक्सेस ओपन होता है। अगर आपके पीसी में ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो आपका सपोर्ट एक्सेस ओपन नहीं होगा, आपका यूएमटी डोंगल ओपन नहीं होगा। ये एक बात आप समझ लीजिए। ये बेसिक फंडामेंटल है। कैसा रहता है, आपने देखिए सॉफ्टवेयर में क्या रहता है, बार बार आपके पीसी में वायरसेस आएंगे, आपका पीसी फॉर्मेट हो सकता है बार बार। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, डोंगल इंस्टॉलेशन, डोंगल का सेटअप, डोंगल का ड्राइवर इंस्टॉलेशन, डोंगल के ड्राइवर कहाँ से इंस्टॉल होते हैं, सपोर्ट एक्सेस क्या चीज है, ये सभी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। मीन्स आपको किसी के भी ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है, खुद का काम आप खुद कर सकते हैं। अभी यहां तक तो आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे अभी 2-3 दिन में, जो दो स्टूडेंट हैं। ठीक है, देखिए ये स्पीड कम ज्यादा हो रहा है, नहीं तो अभी तक डाउनलोड हो गया था, 56% हो गया है। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आता है आपके पीसी में या फिर आपको डोंगल दूसरे पीसी में इंस्टॉल करना है तो ये बेसिक आपको डोंगल का इंस्टॉलेशन आना चाहिए, डोंगल के ड्राइवर इंस्टॉलेशन आना चाहिए। अभी यूएमटी में क्या है मैंने आपको बताया है, आप सपोर्ट एक्सेस 2.0 उसका इंस्टॉल कर लीजिए, गूगल से यूएमटी V2 सपोर्ट एक्सेस डाउनलोड कर दीजिए, उसको इंस्टॉल कर दीजिए, तो यूएमटी के जितने भी ड्राइवर्स है वो ऑटोमेटिकली डोंगल के ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लेता है। मीन्स अगर आपने डोंगल कनेक्ट किया आपके पीसी में, लैपटॉप में, तो डोंगल आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से सपोर्ट से आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा यहाँ पे देखिए यूएमटी प्रो जीएसएम टूल है, इंडियन है, इंटरनेशनल है, क्यूसी फायर का सेटअप है, जैसा है वर्जन 7.2 है, वर्जन 7.3 है, तो यहाँ से आप सब कुछ सपोर्ट से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अल्टीमेट यूएमटी एमटीके 4.5 है। ठीक है, तो जो भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जैसा यूएमटी एमटीके हो गया, यूएमटी क्यूसी फायर हो गया, यूएमटी जीएसएम टूल हो गया, जो भी आपको डाउनलोड करना है आप सपोर्ट एक्सेस के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान में रखिए, ठीक है, कोई भी सेटअप आप
सपोर्ट एक्सेस के थ्रू डाउनलोड करते हैं, ठीक है। कोई भी सेटअप आप सपोर्ट एक्सेस के थ्रू डाउनलोड करते हैं तो वो फाइल को आपको जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रखना है, वो फाइल को आपको जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रखना है। अगर जिप फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करके नहीं रखते तो क्या होता है, जो फाइल अभी अपन डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पीसी में वायरस आता है, इन केस अगर आपके पीसी में वायरस आता है, तो ये जो फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं क्यूसी फायर 7.3 सेटअप, ये फाइल ऑटोमेटिकली आपके पीसी से डिलीट हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली आपके पीसी से डिलीट हो जाएंगी, कब, जब आपके पीसी में वायरस आता है तब। लेकिन अगर आप ये फाइल को जिप फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करके रखते हैं, ये फाइल को अगर आप जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो आपकी फाइल डिलीट नहीं होती है, ये भी एक कंसेप्ट आप ध्यान में रखो। आपके पीसी में विनजिप इंस्टॉल चाहिए, 7-zip इंस्टॉल चाहिए, ये देखिए आपके पीसी में विन जिप इंस्टॉल चाहिए। विन जिप जो जिप का सॉफ्टवेयर जो अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं फाइल को, दो सॉफ्टवेयर आते हैं जिप के, एक आता है विन जिप और एक आता है 7-zip, तो ये दोनों आपके पीसी में इंस्टॉल चाहिए सॉफ्टवेयर। कभी कभी क्या रहता है, गूगल से अगर आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, कभी कभी क्या रहता है, एक सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है, फाइल फिर से रीडाउनलोडिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर आप उसको अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं फाइल को विनजिप से, तो वो फाइल क्या करता है, वो फाइल प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन वही फाइल को अगर आप 7-zip से अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो प्रॉपरली आपका फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाता है, ये प्लस पॉइंट है 7-zip का। तो कहने का मतलब क्या है, आपके पीसी में एक विनजिप इंस्टॉल चाहिए और आपके पीसी में 7-zip इंस्टॉल चाहिए। ये सब आप पॉइंट छोटे छोटे जो मैं बता रहा हूं ना, आप कॉपी में नोट करते हैं चले जाना, नहीं तो क्या होगा, सिर्फ देख रहे कभी कभी ध्यान में नहीं रहते। जितने पॉइंट आपको लगते हैं नोट करने लायक वो नोट करके रखते जाना, ये रेगुलर चीज है, ये प्रैक्टिकल में आपके सब काम में आने वाली चीज है, ये हम लोग काम करते हैं वही मैं आपको सिखा रहा हूं, जो डेली एक्टिविटी हम लोग करते हैं। होने दीजिए डाउनलोड, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो चलेगा, क्योंकि इसके आगे का भी जो स्टेप्स है वो आपका आज ही मैं क्लियर कर दूंगा, फिर कल से मैं आपका डायरेक्ट क्यूसी फायर मेन टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, 2 दिन में पूरा खत्म कर दूंगा क्यूसी फायर।
ये देखिए अभी क्या हो गया, देखिए अब यहाँ पे उसने क्या किया है, डाउनलोड फिनिश कर दिया 11 मिनट 10 सेकंड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया उसने, 96% पे ही उसने फिनिश कर दिया, ये 100% हुआ नहीं है, ठीक है, ये 100% हुआ नहीं है। अभी देखिए अभी इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, यूएमटी क्यूसी फायर को अगर मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे मैं लोकेशन में जाता हूँ, कोई भी फाइल अगर आप जो डाउनलोड करते हैं वो आपका लोकेशन में सेव होता है। अभी देखिए ये देखिए क्यूसी फायर 7.3 ये आपने अभी डाउनलोड किया है, ठीक है। अब इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, देखिए ये क्या बता रहा है, द सेटअप फाइल आर करप्टेड, प्लीज ऑब्टेन अ न्यू कॉपी ऑफ अ प्रोग्राम। क्या बताया मैंने, यहाँ पे जो है ये 96% पे एरर, 96% पे ही इसने फिनिश कर दिया, इसने 100% पूरा फिनिश नहीं किया है, ठीक है। तो आपका क्यूसी फायर इंस्टॉल होगा ही नहीं, आपको फिर से हो सकता है इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो कभी कभी ये सपोर्ट एक्सेस में इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, तो फिर से एक बार दो बार तीन बार ट्राई करना, ठीक है, या फिर पुराना वाला जो वर्जन है 7.2 वो इंस्टॉल करके देखना। ये देखिए मैं 7.2 पे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इसको डाउनलोड होने दीजिए, इसको डाउनलोड होने दीजिए अभी तब तक, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये है क्यूसी फायर, अल्टीमेट मल्टी टूल क्यूसी फायर, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये है आपका मेन मॉड्यूल यूएमटी का, क्यूसी फायर टूल बोलते हैं अपन। तो यहाँ पे लिखा है देखिए अल्टीमेट मल्टी टूल, अल्टीमेट मल्टी टूल क्यूसी फायर, अब डबल क्लिक करने के बाद क्या है, थोड़ा सा टाइम लेता है डोंगल ओपन होने को, टूल ओपन होने को टाइम लेता है, तो घाई नहीं करना। आई थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ये देखिए ये हो गया आपका अल्टीमेट मल्टी टूल क्यूसी फायर, वर्जन है 6.6। ये भी एक बात ध्यान में रखना, वर्जन का बहुत रोल है, वर्जन का बहुत रोल है सॉफ्टवेयर के काम में। अगर आपको ऐसा लगता है मैंने लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर दिया 7.3 और उसी में सब काम हो जाएगा मेरा, तो वैसा नहीं रहता है, एक बात आप समझ लीजिए। आपके पास नया भी वर्जन चाहिए, पुराना भी वर्जन चाहिए। अभी मेरे पास जैसे 6.6 वर्जन है, और अभी लेटेस्ट में कौन सा वर्जन चल रहा है सपोर्ट में, अपन ने देखा था 7.3 चल रहा था, ये देखिए ये 7.3 चल रहा था लेटेस्ट वर्जन। लेकिन मैं जो यूज कर रहा हूँ मेरे पास कौन सा वर्जन है, 6.6 है। तो कैसा रहता है, कभी कभी कोई कोई मॉडल नए वर्जन में नहीं होता, जो पुराने वर्जन में हो जाता है इजीली, ये एक बात ध्यान में रखना। कोई भी क्वालकॉम सीपीयू का अगर आप काम करते हैं, फ्लैशिंग हो, पैटर्न लॉक हो, एफआरपी लॉक हो, एमआई अकाउंट हो, ठीक है, अगर वो मॉडल आपका न्यू वर्जन में अगर एरर दे रहा है, न्यू वर्जन में तकलीफ दे रहा है, तो आप उसको ओल्ड वर्जन में ट्राई करके एक बार देख लेना। ये कंसेप्ट आप अच्छे से माइंड में बिठा लो। ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो आपका मोबाइल है वो लेटेस्ट वर्जन पे ही उसका काम होगा, ठीक है। अगर लेटेस्ट वर्जन पे एरर दे रहा है तो पुराने वर्जन में उसका काम सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये है आपका अल्टीमेट मल्टी टूल क्यूसी फायर वर्जन 6.6, ठीक है। अब जब आप ये क्यूसी फायर ओपन किया, जब आपने ये क्यूसी फायर ओपन किया तो आप ये डिफॉल्ट आ गए फ्लैशर में, आप किस में आ गए डिफॉल्ट, ये फ्लैशर में आ गए, ठीक है। अब देखिए ये फ्लैशर है, ये रिडेंट टूल्स है, ये यमाई स्पेशल है, ये एडवांस फ्लैशर है, ये फर्मवेयर एक्सट्रैक्टर है, ठीक है। जब आप डोंगल ओपन करते, देखिए मैं फिर से बंद कर रहा हूँ, फिर से ओपन कर रहा हूं, देखिए ये जब आप क्यूसी फायर ओपन करते हैं तो आप डिफॉल्ट किस में आ रहे हैं, फ्लैशर में, डिफॉल्ट किस में आ रहे हैं, फ्लैशर में, ठीक है।
तो ये फ्लैशर का तो मैं कंसेप्ट आपको बाद में बता दूंगा कि फ्लैशिंग में किस टाइप से फ्लैश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं रीड एंड टूल्स। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, रीड एंड टूल्स, रीड एंड टूल्स, ठीक है। ये देखिए रीड एंड टूल्स में आ गए आप। तो देखिए ये रीड एंड टूल्स में कितने सारे ऑप्शन है, ये देखिए कॉमन फंक्शन, यहाँ पे देखिए कॉमन फंक्शन में रीड इन्फो है, रीसेट लॉक्स है, सेट बूट ड्राइव है, रीड फर्मवेयर है, फॉरेंसिक है, रीड पैटर्न है, इनेबल डायग है, रूट है, रीसेट एफआरपी, मींस इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए अब यहाँ पे उन्होंने क्या दिया ब्रांड में, यहाँ पे ब्रांड में भी उन्होंने ब्रांड वाइज दिया, जैसा टेक्नो का है तो यहाँ पे टेक्नो के कितने मॉडल है, अगर पैनासोनिक है तो यहाँ पे पैनासोनिक के मॉडल दिए हैं जो क्वालकॉम वाले हैं। आपको ये पता है ना ये क्यूसीफायर अपन किस लिए यूज करते हैं, क्वालकॉम बेस्ड सीपीयू के लिए। मैंने कल भी आपको बताया था, परसों भी बताया था, अगर क्वालकॉम बेस्ड सीपीयू का अगर आपको काम करना है, कोई मॉडल है आपके पास जो पैटर्न लॉक, एफआरपी लॉक, यमआई अकाउंट फ्लैशिंग के लिए आया है और उसमें क्वालकॉम सीपीयू लगा है, तो आप क्या यूज करेंगे, क्यूसी फायर, क्योंकि ये जो टूल है क्यूसी फायर ये क्वालकॉम के लिए ही यूज होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कोई मॉडल सिलेक्ट नहीं करना है, जो जेनरिक है क्वालकॉम, जो डिफॉल्ट एनी मॉडल ब्रांड में जेनरिक क्वालकॉम और मॉडल एनी मॉडल, यहाँ पे डिफॉल्ट जो है वही रखना है, ठीक है। कोई भी मॉडल आपके पास आता है, सपोज यमआई का रेडमी नोट 4 आता है, यमआई का 4X आता है, यमआई का नोट 5 आता है, नोट 5 प्रो आता है, नोट 6 प्रो आता है, ओप्पो में A37 है, ओप्पो F1F है, वीवो में Y51L है, Y55S है, Y53 है, ठीक है। LYF के आप क्वालकॉम मॉडल पकड़ लो, जियो के मॉडल पकड़ लो छोटे वाले, जैसा F30C है, F90M है, F220B है, F120B है, ठीक है। तो कोई भी क्वालकॉम मॉडल अगर आपके पास आता है, कोई भी क्वालकॉम मॉडल अगर आपके पास आता है उसमें पैटर्न लॉक लगा हो या हैंग ऑन लोगो हो, ठीक है, उसमें पैटर्न लॉक लगा हो या हैंग ऑन लोगो हो, देखिए क्वालकॉम के जितने भी मॉडल आपके पास हैंग ऑन लोगो आएंगे उसको आप एक बार फॉर्मेट एफएस करके देखो, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन है फॉर्मेट एफएस, ये देखिए फॉर्मेट एफएस दिखा आपको, फॉर्मेट एफएस। तो ये फॉर्मेट एफएस अपन कब यूज करते हैं, मैं कब यूज करता हूँ इसको फॉर्मेट एफएस को, अगर कोई मॉडल मेरे पास पैटर्न लॉक के लिए आता है, अगर कोई क्वालकॉम बेस्ड मॉडल मेरे पास पैटर्न लॉक के लिए आता है, ठीक है, या फिर हैंग ऑन लोगों के लिए आता है, हैंग ऑन लोगों के लिए आता है, तो मैं क्या करता हूँ, क्यूसीफायर ओपन करके फॉर्मेट एफएस करता हूँ, फॉर्मेट एफएस सिलेक्ट कर देता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। डू यू वॉन्ट टू यूज सेव फॉर्मेट, यस, बस आपको इतना करना है। क्यूसीफायर में कोई भी क्वालकॉम बेस्ड मॉडल आपके पास पैटर्न लॉक के लिए आता है, हैंग ऑन लोगों के लिए आता है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट एफएस सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट एफएस और एग्जीक्यूट करना है। देखिए अब यहाँ पे लिखा आया है ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑपरेशन आपने क्या सिलेक्ट किया है, फॉर्मेट एफएस, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा आ रहा है, चेकिंग फॉर एग्जिस्टिंग डिवाइस नॉट फाउंड, अभी तक कोई डिवाइस कनेक्ट ही नहीं हुआ है तो फाउंड कहां से करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा है, टर्न ऑफ फोन, होल्ड वॉल्यूम अप प्लस वॉल्यूम डाउन एंड इंसर्ट यूएसबी केबल, टर्न ऑफ फोन, होल्ड वॉल्यूम अप प्लस वॉल्यूम डाउन एंड इंसर्ट यूएसबी केबल। अब इसमें क्या है, देखिए कुछ कुछ क्वालकॉम मॉडल में आपको प्लस माइनस बटन दबाना पड़ता है और यूएसबी केबल लगाना पड़ता है, जितने भी आपके ओल्ड टाइप के क्वालकॉम बेस्ड मॉडल है, ओल्ड टाइप के, अब ओल्ड टाइप में ओप्पो F1F आ गया, ओप्पो A37 आ गया, ओप्पो A57 आ गया, वीवो के आप पकड़ लो Y51L, Y53, Y55, LYF के पकड़ लो क्वालकॉम बेस्ड मॉडल, ठीक है। तो जितने भी ओल्ड टाइप के आपके मॉडल है क्वालकॉम बेस्ड, आपको उसको प्लस माइनस बटन दबाना है और यूएसबी केबल लगाना है, आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओल्ड टाइप के मॉडल में। लेकिन
अगर न्यू टाइप के अगर आपके पास मॉडल है जो आज की रेंज के अगर आपके पास मॉडल आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, टर्न ऑफ फोन, होल्ड वॉल्यूम अप प्लस वॉल्यूम डाउन एंड इंसर्ट यूएसबी केबल। तो मैंने क्या बताया है, ओल्ड टाइप के मॉडल को आपको प्लस माइनस बटन दबा के रखना है और यूएसबी केबल लगाना है, ठीक है। लेकिन सम फोन्स में नीड स्पेशल बूट केबल और टेस्ट पॉइंट फॉर ईडीएल मोड। अब ईडीएल मोड, अब मैंने क्या बताया है, ठीक है, ओल्ड टाइप के मॉडल को आपको प्लस माइनस दबा के यूएसबी केबल लगाना है, लेकिन अगर आपके पास एमआई के मॉडल आएंगे या फिर न्यू टाइप के जो मॉडल आएंगे उसका ईडीएल पॉइंट रहता है। मैं एमआई के मोटा मोटी एमआई के मॉडल की बात करता हूँ। एमआई का अगर कोई भी मॉडल आपके पास आता है, वो चाहे पुराना रहो मॉडल, एमआई नोट 3 रहो, 4A रहो, या फिर न्यू टाइप का मॉडल रहो, नोट 6 प्रो रहो, नोट 5 प्रो रहो, 8A है, 8A ड्यूल है, ठीक है। तो एमआई का अगर कोई मॉडल आपके पास आता है जिसमें क्वालकॉम सीपीयू लगा है और उसका अगर आपको पैटर्न लॉक निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल खोलना पड़ेगा, उसका ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको कंप्यूटर से मोबाइल कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आपका मोबाइल कनेक्ट होगा। अब ईडीएल पॉइंट क्या रहते हैं वो आप गूगल पे इजीली सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब एक दो मॉडल मैं आपको बता देता हूँ जो लेटेस्ट वाले हैं, जैसा रेडमी नोट 5 प्रो, आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है, आपको क्या करना है, आपने गूगल ओपन किया, ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया एमआई नोट 5 प्रो ईडीएल पॉइंट। ये देखिए एमआई नोट 5 प्रो ईडीएल पॉइंट, देखिए यहाँ पे आपको अगर इमेज में जाते हैं तो आपको इमेज दिख ही जाएगा, ये देखिए, ये देखिए, मीन्स कहीं पे भी आप ओपन कर सकते हैं। देखिए हर एमआई का एक ईडीएल पॉइंट रहता है, हर एमआई का एक ईडीएल पॉइंट रहता है। ईडीएल पॉइंट किस में रहता है, सिर्फ क्वालकॉम बेस्ड सीपीयू में रहता है, एमटी के सीपीयू में नहीं रहता है ईडीएल पॉइंट। ये देखिए ये है आपका नोट 5 प्रो, ये है आपका नोट 5 प्रो, ठीक है। मींस अगर कोई नोट 5 प्रो आपके पास आता है, उसका अगर आपको पैटर्न लॉक निकालना है, उसका आपको पैटर्न लॉक निकालना है, ठीक है, ईएमआई अकाउंट निकालना है, एफआरपी लॉक निकालना है, फुल फ्लैश करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो दो पॉइंट है ये शॉर्ट करना पड़ेगा। आप इसको शोल्डर मार के रख दो, बैटरी का कनेक्टर रिमूव करो, बैटरी का कनेक्टर रिमूव करो, आप इसको शोल्डर मार के रख दो और पूरा काम कर दो, फॉर्मेट करना है फॉर्मेट एफएस करना है फॉर्मेट एफएस करो, ईएमआई अकाउंट रिमूव करना है ईएमआई अकाउंट रिमूव करो, फुल फ्लैश करना है फुल फ्लैश करो, और टेस्ट पॉइंट निकाल के आप मोबाइल को चालू करो। मीन्स कहने का मतलब क्या है, कोई भी ईएमआई का मॉडल अगर आपके पास क्वालकॉम सीपीयू वाला आता है और उसका अगर आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड अगर कोई वर्क करना है, तो उसका ईडीएल पॉइंट आपको शॉर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब ये तो हो गया नोट 5 प्रो का। अब मैं एक आधी ओल्ड मॉडल लेता हूं, जैसा EMI 4A EDL पॉइंट, EMI 4A, ये हो गया ओल्ड टाइप का मॉडल। तो ये देखिए ये 4A का कहाँ पे है, ये देखिए ये यहाँ पे है, ये देखिए एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, ये देखिए ये यहाँ पे, ये देखिए ये दो पॉइंट आपको शॉर्ट करना, ये तो 4 हो गया। उसके बाद Redmi Note 4 लेता हूँ, रेडमी नोट 4, ईडीएल पॉइंट, ये देखिए
रेडमी नोट 4 में आपको ये दो पॉइंट शॉर्ट करके रखना है। कोई भी मोबाइल का अगर आप ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करते हैं तो ध्यान में रखना कि आपका बैटरी कनेक्टर डिस्कनेक्ट चाहिए। अगर बैटरी कनेक्टर लगा के रखेंगे आप और ईडीएल पॉइंट शॉर्ट कर देंगे तो आपका मोबाइल डेड हो सकता है, मोबाइल शॉर्ट हो सकता है। आपको क्या करना है, बैटरी कनेक्टर रिमूव करना है और ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करना है। सॉफ्टवेयर का काम करो, काम होने के बाद आप ईडीएल पॉइंट निकाल दो, बैटरी रिमूव करो और आपका मोबाइल स्टार्ट करो। तो एक थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन है।